सीतापुर में अधिवक्ताओं पर हुई लाठी चार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं ने जांच कमेटी पर एक पक्षीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की होने पर कमेटी की विश्वसनीयता पर संशय जाहिर किया। अधिवक्ताओं ने निष्पक्ष जांच कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व बार काउंसिल के चेयरमैन व उपाध्यक्ष को नामित करने की मांग की है। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने झूठे एवं फर्जी मुकदमों को वापस होने पर भी प्रदेश के अधिवक्ता जांच कमेटी में सहयोग करने की बात कही। बता दें, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुई लाठी चार्ज मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल मेरठ आयुक्त की अध्यक्षता को गठित एक जांच कमेटी बनाई। मुख्यमंत्री द्वारा जांच कमेटी में मेरठ मंडल आयुक्त के साथ मेरठ मंडल के पुलिस महानिरीक्षक व मुरादाबाद मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक को भी कमेटी में सदस्य बनाया गया। हमारी एक प्रियंका त्यागी एडवोकेट है, उनके साथ में एक सिपाही ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। उसी के उसमें हम परिप्रेक्ष्य में जब हमें पता चला कि एक FIR दर्ज हो गई है, थाने कोतवाली में गए। कोतवाली में जाने के बाद में हमने जो बात करते रहे, बात करने के बाद में उन्होंने हमारे साथ, हमारे अजीत चौधरी जी हैं सीनियर काउंसिल हैं, उनके साथ हम बदतमीजी की। हमारी तरफ से उसी दिन एक उच्च अधिकारियों को एक मेल कर दी गई थी, सभी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, कि हमारी ये कंप्लेंट है और उस कंप्लेंट FIR की जो कंप्लेंट वो थी भेज दी गई, लेकिन अभी तक हमारी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हमारी मांग है जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे निहत्थे अधिवक्तागण पर जानलेवा हमला किया था 29/8/2023 को, जब तक उनका जिले से स्थानांतरण और सस्पेंशन ना हो जाए तब तक हम ये धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक पशुओं जैसा व्यवहार विद्वान अधिवक्तागण के खिलाफ किया है, और वो भी उस टाइम में किया है जब धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था, सभी अधिवक्तागण अपने कैंपस में वापस लौट गए थे। उसके बाद उन्होंने जो शेष आते हुए अधिवक्ता थे थोड़े बहुत, उनको घेर कर पीछे से भी और कुछ पहले से भी आगे बिठाए हुए थे, दोनों तरफ से घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया है, जिससे हमारे 35-40 अधिवक्तागण गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, और 10-12-15 अधिवक्ता तो हमारे ऐसे हैं जिनके सर पे अटैक हुआ है और बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। हम उन पुलिसकर्मियों की इस वैश्याना हरकत का बहुत कड़ाई से विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और उनको जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हापुड़ की पुलिस द्वारा निर्दोष और निहत्ते अधिवक्ताओं के साथ उनको घेर कर लाठी चार्ज करने का काम किया था, इस घटना ने जनरल डायर को भी भुलाने का काम किया है। ये घटना अंग्रेजों के समय जलियांवाला कांड जो हुआ था उससे भी भयानक कांड हापुड़ पुलिस द्वारा किया गया है। हम इसलिए इस SIT जांच की जो कमेटी है उसका विरोध करते हैं। अधिवक्ता जांच कमेटी को लेकर पूरी तरीके से इस बात को संशय में है, क्योंकि अधिवक्ताओं पे जो जास्ती हुई है, जुल्म किया गया है, वो प्रशासन द्वारा किया गया है, और ये जांच प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ उसमें 2 पुलिस के अधिकारी हैं, इसलिए हम बिल्कुल इस बात का जो है स्पष्ट रूप से ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं कि ये जो जांच कमेटी है ये अधिवक्ताओं के पक्ष में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और अपने दोषी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को बचाने का काम करेगी, इसलिए अधिवक्ताओं में संशय है। हम केवल एक बात उनसे मांग करते हैं, हमने सरकार से भी मांग की है, हमारी बार काउंसिल के चेयरमैन और जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों द्वारा भी ये बात की गई है कि इस जांच कमेटी के अंदर एक न्यायिक अधिकारी जो रिटायर जज हों हाईकोर्ट के, वो हमारी बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो बार काउंसिल के चेयरमैन है उनमें से कोई एक, और 2 कोई अधिकारी जो पुलिस के ना हो इसमें शामिल किए जाएं, ताकि निष्पक्ष जांच इसमें हो सके। पुलिस के लाठी चार्ज में तकरीबन 40-45 अधिवक्ता घायल हुए हैं, और जब हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने धरने को स्थगित कर दिया था 1:30 बजे, और जब सब लोग 80% से 90% लोग कचहरी के अंदर आ गए, सब लोग और बच्चे आ रहे थे, तब उन्होंने पीछे से सब लोगों पे हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आंदोलनकारी जितने होते हैं उनको अगर लाठी मारी जाती है तो उनकी कमर या टांगों में लाठी मारी जाती है। इस पूरे हमले में सारे अधिवक्ताओं को सर में चोट मारी गई है और सारे अधिवक्ताओं के सर को हिट किया गया है। कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है, जितने चुटैल अधिवक्ता हैं
उनके सबके सर में चोट है, उनको हेड इंजरी है, मेरे भी माथे में 2 लाठियां लगी हैं और इसमें क्लॉटिंग है, डॉक्टर ने मुझे भी रेस्ट के लिए बोला है।